गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बच्चों. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन. गुड मॉर्निंग. लो मैसेज डाल दो. आ जाए सारे. डाला है मैसेज. करें स्टार्ट अपन. तो बच्चों यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए पहले. तो ईच एंड एवरी वन शानो वेरी गुड मॉर्निंग बेटा. इशिता गुड मॉर्निंग. यश जैन गुड मॉर्निंग. सोनिया गुड मॉर्निंग. ईच एंड एवरी वन गुड मॉर्निंग. यहां तक हो गया सब बच्चों का. Yes, भाई कोई डाउट आया सर? जो थर्ड क्वेश्चन था या फोर्थ, उसमें जो प्लस टू किया था वो समझ में नहीं आया मेरे को. कौन सा प्लस टू? थर्ड वाला देखिए सर. थर्ड वाला इसका ही. ये निकल गया. सॉल्यूशन में ये जो प्लस टू किया है सुने. 3 × 2 + 2. 3 × 2 नहीं, 2 × 2 + 3. हाँ सॉरी सॉरी. क्या बोलता है? यस सर यस सर. सॉरी. सुन बेटा एच ओ डी कोड में कितना लग रहा है? पढ़. एच ओ डी कोड में से 2 लग रहा है. 2 क्लॉक साइकिल पर वर्ड लग रहा है. हाँ 2 क्लॉक साइकिल पर वर्ड. तो ये दो वर्ड है तो कितने साइकिल लगेंगे? 4. 2 × 4. हाँ इसमें 1 × 2 कितना लगा? 2. एच ओ डी कोड में 2 × 4 दो. क्लियर है? यस सर. एग्जीक्यूट डिपेंड. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. एग्जीक्यूट डिपेंड करता है किस टाइप का इंस्ट्रक्शन है. अगर रजिस्टर से मेमोरी या मेमोरी से रजिस्टर है तो 3 साइकिल, और अगर ऐड विद ऑपरेंड इन रजिस्टर है तो 1 साइकिल. दैट्स ऑल. और ये तो न्यूमेरिक्स है, इसका इसमें ही काम हो गया. टोटल आ गई 24 साइकिल. उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा. ये वाला भी हो गया होगा. ये वाला किया था? ये वाला 1000 वाला किया ही नहीं होगा ना लायक तुम लोगों ने. भरोसा तुम पे. किया था ये वाला? यस सर. इसमें लास्ट में वैल्यू 0 ऐड होगी ना, इसलिए 100 आएगा. हाँ 100 इसलिए आएगा, 0 वैल्यू ऐड नहीं होगी, अपडेट ही नहीं हो पाएगा. आप उल्टा बोल रहे हो, तो भी 100 ही है. लेकिन 106, 105, 104, 103 ऐसे चलते चलते 101 आएगा 2009 पे, है ना. और R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. R1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये लूप में जाएगा ही नहीं, तो वो वैल्यू अपडेट होगी ही नहीं. यस सर. यस सर. याद आगे समझ आ गई बात समझ में? यस सर. क्लियर है सभी बच्चों के? यहाँ तक क्लियर है तो ठोको ताली. ठोक दे. लिख दो क्लियर या स्टिल क्लियर. कल कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? चलो आज बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा इसके बाद. बता कौन सा करूं भाई, तेरी रब रब में बैठता हूँ. बता कौन सा करूं सर? कोई सा अच्छा सा सर. अरे यही कलर सर. ये सर आर बढ़िया है. येलो. येलो में ब्लैक अच्छा लगेगा. येलो में ब्लैक. इस पे वाइट नहीं आएगा सर? आंखों में चमक ना सर. ये ब्लैक. येलो में ब्लैक बोला मैं. येलो में ब्लू भी चल जाएगा सर. सर ये आंखों में चमक रहा है बहुत ज्यादा. मेरे भी चमक रहा है बेटा.
दरवाजे सब वही सही है, ग्रीन ग्रीन सवेरे ग्रीन ही देखने को मिल जाता है, ये भी सही है, यही सही है, ये भी ठीक, इसमें तो सब चेंज कर सकते हैं पर नहीं, मजा नहीं है, अरे जो अपना चल रहा है वही चलने दो भाई, क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें सबसे बढ़िया पता क्या है कि भाई आंखों में चुभता नहीं है ये, मैं खुद पूरे दिन भर तो तब मेरे को लगा लेकिन चेंज चाहिए लाइफ में थोड़ा सा, तो साले कलर में चाहिए कि चेंज और चीजों में नीचे आदत तुम्हें चेंज करो ना वो तो कर ही कौन रहे था ये डायलॉग वाला, इधर मैं मैं देता हूँ डायलॉग, चेंज ही करना तो अपनी आदत में कर, रोज 4 घंटे की जगह 6 घंटे पढ़, चेंज ही करना तो अपनी हरकतों में कर, दुनिया में खूब चीजें चेंज करने के लिए, तेरे अंदर भी मेरे अंदर भी बेटा, कलर ही चेंज करेंगे कि यार तू भी बेटा, अनुराग सर होते ना अभी हाल ही हाल में इसका जेंडर चेंज कर देते, अनुराग हाँ ये भी सही है सर, अनुराग सर वो अनुराग पोडवाल सर, हाँ क्यों, अरे नहीं वो ऐसी जेंडर मतलब बोल देते हैं ऐसी डायलॉग मारते हैं, अच्छा कंप्यूटर पता है ऐसे ही मैं कहाँ गया था, दरभंगा, दरभंगा गया, एक बच्चा मिला, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, एक बच्चा मिला दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज DEC, पहले बच्चों का एटीट्यूड देखो उनका, वो बेटा कौन सा कॉलेज, बोले DEC, मैं दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी जैसे दिल्ली नहीं बोलते DU, समझ रहे हो, ऐसे DEC सर, बोले ठीक है, वो फुल फॉर्म क्या, दिल्ली इंजीनियरिंग, बोला नहीं दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज, बोला अच्छी बात है, दरभंगा वैसे ही बता दूँ, दरभंगा और मोतिहारी गया था मैं, ये पटना के यूपी और बिहार के दो गुंडे एरिया है शायद बहुत, दरभंगा तो शायद वो है मिलिट्री एयरपोर्ट है, मिलिट्री के लिए था पहले तो वो उधर ऐसा कुछ है, तो एक बार बच्चा बोलता है ये पढ़ा रहा था शायद CU पढ़ा रहा था, वो पढ़ा रहा था, ऐसे कुछ 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाए थे मैंने, सारे पढ़ाए थे मेरे चारों वाले भाई, तो पहली क्लास थी उसकी, तो आया लंबा सा लड़का बिहारी, देखो बिहारी में वो चिढ़ना मत, अच्छी बात है ना, सुने उसके बाद आया, बोलता सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, बोला क्या समझ में नहीं आया, बोला सर समझ में था लेकिन अच्छा लगता है एक बार और कर दो, बोला पागल है भाई तो ऐसी हरकतें करते हैं कुछ, एक हर जगह मिलते हैं कहीं ना कहीं, आ रहा हूँ मैं तेरे को नहीं कह रहा हूँ, घबराना मत ना सर, रौनक को कह रहे हैं, नहीं नहीं रौनक को भी नहीं कह रहा, किसी को नहीं कह रहा आप में से, देखे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है बेटा, इट इज ए कंप्यूटेशनल डिवाइस, कई बच्चे सोच रहे होंगे सुबह 7:30 बजे हमें ये बताओगे कंप्यूटर क्या होता है, नहीं बेटा मेरे को आगे जाना है इसमें, इट इज ए कंप्यूटेशनल डिवाइस यूज टू प्रोसेस द डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम, अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम, कल अपन ने इंस्ट्रक्शन कर तो लिए, जब अपन इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट एड्रेसिंग मोड ये सब सीखेंगे तो अपन को पहले पता होना चाहिए कि भाई प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, आपकी माइक्रो प्रोसेसर लैब हुई है कभी, माइक्रो प्रोसेसर लैब सुना सुना लगता है सर, सुना लगता है ना, हाँ वेरी गुड, उसमें एक टेबल देते थे कोई भी चीज परफॉर्म करने के लिए, ओपको टेबल होती थी इसी सेमेस्टर में, अरे वाह ये कौन था जो सुना सुना, रौनक बेटा तेरे को शाहरुख खान वाला गाना अप्लाई होता है, शाहरुख खान कहते ना छम से कोई टूटे कोई छपना जग सुना सुना लागे क्या होती है फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर, इज नथिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, क्या बेटा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना, अब प्रोग्राम क्या होता है बेटा, ये उतार लिया है नो सर, आधे तो सोच रहे थे उतारना भी था, आते तो ये सोच रहा हूँ अच्छा उतारना भी था, हाँ वही बताया नहीं आपने, हाँ नोटिस लगाऊंगा बेटा कभी, देखिए बच्चा आराम से उतारे कोई सुनिए, देखो कंप्यूटर क्या, मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ ताकि मैं अभी आपको मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन सिखाऊँ, तो आपको एड्रेस लाइन डेटा लाइन और अपन आगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एड्रेसिंग मोड ये सब पढ़ेंगे, तो आपको पहली चीज तो पता होना चाहिए इंस्ट्रक्शन भी बाइनरी होता है,
जिसका कोई ना कोई सिंबल होता है। आपने माइक्रो प्रोसेसर की लैब सुनी होगी या देखी होगी, तो आप ओपकोड वोपकोड जो भी होता है एडिशन है मान लीजिए, तो उसका भी एक ओपकोड होता है जो आपको एक टेबल पे डिपेंड दिया होता है, टेबल दे दी जाती है, जैसे ग्राफ नहीं देते, जैसे एक टेबल होती है ओपकोड टेबल, उसमें सभी के ओपकोड लिखे हुए होते हैं, समझ रहे हो सर? उतारिए जल्दी, हो गया सर। हो गया सर। हो गया। अब देखिए प्रोग्राम क्या होता है भाई, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलोंग विद डेटा, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन अलोंग विद डेटा, समझ में आ गई बेटा? यस सर। इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अलोंग विथ डेटा, यानी प्रोग्राम क्या होता है आपका, इंस्ट्रक्शन और डेटा का सीक्वेंस, क्लियर है? और इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये भी मेरा बाइनरी सीक्वेंस ही होता है, क्योंकि अपन को पता है यार कंप्यूटर तो जीरो वन ही समझता है ना भाई, इट इज द बाइनरी सीक्वेंस। Which is designed inside the processor to perform some task. अरे processor to processor depend करता है, 8085 है, 8086 है, समझ रहे हो, या किसमें कितने bit का opcode है। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes sir। देखो आज की क्लास में बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा पक्का, मजा आएगा तुम्हारे को, तुम खुद बोलोगे नहीं सर मजा आ गया। देखो माहौल बनने दो। प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन और डेटा होता है। इंस्ट्रक्शन और डेटा क्या होते हैं, दोनों बाइनरी होते हैं इंस्ट्रक्शन और डेटा, लेकिन डेटा तो बाइंड होता है वैल्यू के साथ, और जो इंस्ट्रक्शन होता है ना वो ऑपरेशन के साथ होता है, यानी इंस्ट्रक्शन कुछ ही नहीं होता भाई, बाइनरी सीक्वेंस बाइंड विथ ऑपरेशन। जैसा आपने ऐड करना है तो ऐड का मान लीजिए ओपकोड ये है, मान लीजिए माना ये ऐड का ओपकोड है, ये प्रोसेसर टू प्रोसेसर डिपेंड भी करेगा कि कितने बिट का ओपकोड है उस प्रोसेसर में, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, कितने बिट का ओपकोड है, तो ये जो बाइनरी सीक्वेंस है ये बाइंड होगा ऑपरेशन के साथ कि हाँ भाई ये ओपकोड किसका है, एडिशन का है। अरे हाँ बोलो। यस सर। डेटा क्या होता है, डेटा भी कुछ ही नहीं बाइनरी सीक्वेंस ही होता है, बाइंड विद वैल्यू, इट इज ए बाइनरी सीक्वेंस विच इज एसोसिएटेड विद वैल्यू, विद ए वैल्यू, ज्यादा गहराई में जाना है तो बेस्ड ऑन डेटा फॉर्मेट, किस भी आपका डेटा फॉर्मेट है, अनसाइंड है, अनसाइंड डेटा है, साइंड डेटा है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है, समझ रहे हो, या कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। यस सर। वो वैल्यू, तो डेटा भी क्या होता है बेटा, बाइनरी सीक्वेंस, क्या बोलो, बाइंड विथ वैल्यू, क्लियर है बच्चों? सर। आगे बढ़े ईच एंड एवरी वन। यस सुनिए बच्चों, कुछ ही नहीं, मेरे को आगे है ना जो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर वो सिखाने हैं, क्या क्या, सीपीयू, आईओ और मेमोरी, ये अपन को पूरा सीखना है।
ये पूरा आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है, सीपीयू, आईओ एंड मेमोरी। मेमोरी को भी दो बार सीखेंगे, एक तो वैसे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, एक कैश मेमोरी, ये सब चीज़ अलग सीखेंगे। ये चीज़ और बता दूँ, थोड़ा सा लंबा सब्जेक्ट जाएगा ये, लेकिन एक काम करे हर बच्चा, सुनो मेरे बात, साथ दोगे मेरा? मैं भावनाओं में रहता हूँ, इतनी देर में कोई बच्चा बोलता है सर एक काम करो, पहले तो आप स्क्रॉल डाउन कर लो या स्क्रॉल अप कर दो, पहले उतार ले, आप अपने डायलॉग बाद में मार लेना, उसको डायलॉग लगते हो क्या पता, नाम भी बोलूँगा, मैं समझ गया होगा जिसने भेजा है। ये लास्ट वाली लाइन में फ्लोटिंग के आगे क्या लिखा है? ब्रैकेट, बाइनरी सीक्वेंस, फ्लोटिंग और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ओके, यस बेटा, कंटिन्यू सर, यस। सुनिए, एक काम करें, देखो मैं आपके लिए जब भी मेहनत करूंगा, जब आप अगर एग्री होते हो तो सुनिए, नहीं तो मैं 101 गेट क्वेश्चन तो 110 तो करा ही दूंगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि अपन देखो ओएस तो अपन आगे सोचेंगे है ना, अभी अपन ऐसा करो, आप सीओए में भी जो भी आपको होमवर्क दूँ आप करके लाओगे रोज, यानी कुछ क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा कुछ क्वेश्चन वहाँ, पर ये मत बोलना कि यार सर नहीं हुआ, टाइम नहीं मिला, है ना, या अपना दुखड़ा मत रोना कि सर इतना काम है, आपको पता हम कितने बिजी है, आपके जाते मम्मी बोलती है जा सब्जी लेके आ, पापा बोलते जा ये कर, हैं पढ़ाई कर, ये कर, वो कर, कॉलेज वाले परेशान करते हैं, वो नहीं, लेकिन मैं आपको पूरा यकीन दिलाऊं, अपन एक काम करते हैं, इसके सारे मतलब सारे गेट क्वेश्चन लगा दूंगा उसको, यानी ये सब्जेक्ट ऐसा कर लो आप लोग, मैं मान रहा हूँ कि आप बाकी सीधे फरवरी में उठाओ फिर, या जैन लास्ट में उठाओ, 25 जैन को उठाओ इस सब्जेक्ट को, बस 25 जनवरी को उठाओ, बाकी आप अपने साथ में जो पैरेलल चलाते जा रहे हो एक या दो सब्जेक्ट वो चलाते रहो, और इस सब्जेक्ट को ऐसा करा दूंगा कि आप 25 जैन को उठाना, यानी पूरे सब्जेक्ट, पूरा टॉपिक, पूरी चीज, चलेगा? यस सर। एग्री हो? यस सर, है ना, लेकिन उसके लिए एक मेहनत करनी पड़ेगी आपको, वो मेहनत क्या है वो सुन लीजिए हर बच्चा, मैं सारी चीज़ सिखाऊंगा, लेकिन मैं पीडीएफ में क्वेश्चंस दूंगा भर भर के, वो आपको घर से करने हैं, यानी उसके बाद मैं सॉल्व जरूर कराऊंगा यहाँ, लेकिन घर से करने हैं, वे सॉल्यूशन होंगे लेकिन सॉल्यूशन देखने नहीं है, और आप बोलो तो मैं सॉल्यूशन भी हटा दूँ उसमें से, जैसा भी है टॉपिक वाइज टॉपिक में, है ना, हटा दीजिएगा, हटा दूंगा सॉल्यूशन, आंसर आंसर की रखने रख रहे ना, सॉल्यूशन नहीं, ठीक है ना, तो आप प्लीज़ मैं ऐसा बना दूंगा आपके लिए, मेहनत कर लूँगा, देखो भाई मेरे पास आईपैड है उसी से मैं ये सारा काम दाम करता हूँ अपना, है ना, तो मैं उसके लिए आपके लिए मेहनत कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज़ का मैं प्रॉमिस देता हूँ, फिर आर्किटेक्चर वहाँ है ना आपका 13 से 15 मार्क्स है ना पूरा आएगा, एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा, डेप्थ में पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ें करा दूँगा मैं, और सारे क्वेश्चन करा दूँगा, चाहे अपनी औकात हो चाहे ना हो, चाहे झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे फिर भी झेलेंगे, चलेगा? यस सर, यस सर, चलेगा, लेकिन उसके लिए एक चीज और कि यार हर बच्चा डेली प्रेजेंट रहे, डेली प्रेजेंट, बस भाई समझना बात, एप्टी मैथ और डिस्क्रिप्ट मैथ 30 मार्क्स का जोगाड़ तो ये हो गया, ठीक है, और ओएस, सीओए, डीबीएमएस और सीएन, ये 30 मार्क्स का जोगाड़ है, इस बार आया है 30 मार्क्स का भर भर के अच्छी तरह, बीच में तो 30-30-60 और बाकी आपका टीओसी, कंपाइलर, सीडीएस, डा, भाई जो भी पढ़ोगे पूरा काम हो जाएगा यार, समझ रहे हो बात? यस सर, अगर आपको कभी सर टाइम मिले तो सीएन को एक बार पूरा रिवाइज जैसे आपने बोला था, कभी भी मतलब जब भी टाइम मिले आपको वो मैं करा दूंगा, ठीक है, एग्री, है ना, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, है ना, अपन ने कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर करा था, क्या क्या पढ़े थे उनको दोबारा डिटेल में नहीं बता रहा, सीपीयू था, एक मेमोरी थी और एक आईओ था, पूरे आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे अपन इस चीज़ों को, सीपीयू तो क्या होता है प्रोसेसिंग यूनिट, अरे हाँ या ना, आईओ क्या होता है स्टोरेज, आईओ डिवाइस यानी एक्सटर्नल मेमोरी का स्टोरेज, और आईओ मतलब एक्सटर्नल कंपोनेंट। अब पहले अपन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन सीखेंगे, मेमोरी क्या होती है बेटा, मेमोरी क्या होती है बताइए, स्टोरेज डिवाइस, वो तो ठीक है, अब सुने
हर बच्चा सुनेगा प्लीज। मेमोरी, मेमोरी कुछ भी नहीं होती भाई, मेमोरी एक स्टोरेज एलिमेंट ही होती है जो आपकी, सुनिएगा हर बच्चा उतारेगा मतलब एक बार अभी सुने पहले, जो मेमोरी होती है आपकी स्टोरेज डिवाइस होती है जो आपकी एक फिक्स पार्ट में डिवाइड होती है, डेट इज कॉल्ड सेल्स। क्या कहलाते हैं ये? सेल्स कहलाते हैं। जैसे अपने शरीर में बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल्स ही तो होती है, कोशिकाएं जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं, समझ रहे हो? ऐसे मेमोरी इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू फिक्स पार्ट, दैट पार्ट इज कॉल्ड सेल्स, और ईच सेल इज आइडेंटिफाई बाई ए, अरे इशिता शानू उतार लो भाई, पहले यार ये बाद में पहले कंसेप्ट समझ लो प्लीज, अभी मैं कुछ बता दो अभी। अरे कुछ बच्चे बोले सर पहले थोड़ा ऊपर करो, बेटा रुको एक बार रुको, उतार लो सर जल्दी से करो, ये बच्चे ने हिम्मत करके बोल दिया, बाकी कहीं तो सोच भी ये रहे होंगे, पहले ऊपर कर दो उतार ले। सर हम तो सुन रहे थे, उतार भी नहीं रहे थे। सुन रहे थे सर, मतलब नोट्स तो बन जाएंगे, नहीं बने तो क्लास के बाद किसी से ले लेंगे, लेकिन जो पढ़ने सुने जो मेमोरी होती है ना, मेमोरी वो क्या होता है? डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट्स, समझना बच्चों, हर बच्चा सीखेगा मेमोरी। मेमोरी जो होती है डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेल्स, और ईच सेल इज आइडेंटिफाइड बाई ए यूनिक नंबर, डेट इज कॉल्ड एड्रेस, डेट इज कॉल्ड एड्रेस। क्लियर ईच एंड एवरी वन? क्लियर देखिए, सो मेमोरी इज ए स्टोरेज एलिमेंट, अब उतार सकते हो, इन द कंप्यूटर, सो प्रोग्राम, प्रोग्राम बोले तो इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, समझ में आ रही है बेटा? प्रोग्राम इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द मेमोरी, प्रोग्राम इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द मेमोरी, एंड मेमोरी चिप, दिस इज द चिप बेटा, मेमोरी चिप, ऊपर वाला सबने उतार लिया ना बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? इट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, कुछ नहीं था, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर तीन ही थे भाई। मेमोरी चिप इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स कॉल्ड एज सेल्स, एंड ईच सेल इज आइडेंटिफाई बाई ए यूनिक नंबर कॉल्ड एज एड्रेस। क्लियर है? यस सर। अब सुने, उतार लो, चलो पहले उतार लो जल्दी से, क्या था Done everyone? Done sir. Sir. Yes sir. आगे बढ़े? Yes sir. Pen copy रख दीजिए हर बच्चा, सुनिएगा अब। देखो बच्चों, हर बच्चा बहुत ही प्यारी चीज सीखने जा रहे हो। आपने ये बताओ 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रखा है क्या? रासनी नहीं बताना बेटा। जो मेमोरी होती है ना, मेमोरी
इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2^n (m). 2^n (m), ये ध्यान रखना। मेमोरी कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? 2^n (m), ये ध्यान रखिएगा बच्चों। n इज नंबर ऑफ, पेन कॉपी रख दीजिएगा सब बच्चा, n इज नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, m इज नंबर ऑफ डेटा लाइन, n इज नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, m इज नंबर ऑफ डेटा लाइन। समझ में आ रही है बच्चों? सर अब ये एड्रेस लाइन और डेटा लाइन होती क्या है सर, ये नहीं पता मैं, तो हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, और आपने भी बोला तो 10th पास होना जरूरी है बस। मैं बोला हाँ भाई, बोला तो मैंने ही था। अब देखो, एड्रेस लाइन क्या बताती है? कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी। पेन कॉपी रख देना सब बच्चा, उतारना नहीं है अभी। कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी। और जो डेटा लाइन है वो क्या बताती है? कैपेसिटी ऑफ डेटा या सेल साइज। कैपेसिटी ऑफ डेटा या सेल साइज। अच्छा बताओ, प्रोसेसर सिस्टम बस होती है जिसमें तीन लाइन होती है, एड्रेस डेटा और कंट्रोल। प्रोसेसर अच्छा है या बुरा है कौन बताएगा? एड्रेस लाइन ऑप्शन, डेटा लाइन, कंट्रोल लाइन या ऑल ऑफ देम? रॉन्ग, डेटा लाइन। ठीक है, कोई बात नहीं, सुनिएगा। जो मेमोरी होती है ना, और ये आपका सबका पढ़ा हुआ है, पता है आपको, अपनापन लगेगा अभी। जो मेमोरी होती है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है? 2^n (m). n इज द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, m इज नंबर ऑफ डेटा लाइन। एड्रेस लाइन क्या बताती है? कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी। और डेटा लाइन क्या बताती है? कैपेसिटी ऑफ द डेटा। समझ में आ रही है बेटा? यानी n बिट की एड्रेस लाइन, क्या बच्चों? n बिट की एड्रेस लाइन कैन रिप्रेजेंट 2^n मेमोरी सेल्स, क्या बच्चों? 2^n मेमोरी सेल्स। और रेंज क्या होगी? 0 to (n-1). समझ में आ रही है बात? Yes, और उतारना मत, अभी फिर कह रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट है सभी से यार, नहीं तो मैं बोल देता हूँ ना। 2^10 (1K), 2^10 (2K)21 (MB), 1 GB, 1 TB, 1 ms, ये हालांकि मैंने शायद CN में भी कराया था, 1 ns, 1 byte = 8 bit और 1 nibble = 4 bit। ये ध्यान रखना। अब सुने कि सर, यानी मैं समझा नहीं अभी भी, मैं बोला अच्छी बात है, नहीं समझे। एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 3, क्या कि अगर मैं बोलता हूँ मेरी मेमोरी कितनी है? 1 KB है। कितनी है बेटा? 1 KB है। व्हाट डू मीन बाय दिस? व्हाट डू मीन बाय दिस? कि इसमें 2^10 × 8 bit, क्या बच्चों? 2^10 × 8 bit यानी 10 बिट की इसमें क्या हो गई? एड्रेस लाइन। 8 बिट की इसमें क्या आ गई? डेटा लाइन। समझ में आया? टोटल yes, कितने मेमोरी सेल्स होंगे? 2^10 मेमोरी सेल्स, 0 to (10-1). सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आपके पास टोटल 0 to (10-1) यानी टोटल कितने घर है? 2^10 सेल्स है। और एक सेल की साइज कितने बिट की है? 8 bit की है। कितने बिट की है? 8 bit। और आपको इसमें से किसी भी एक सेल का एड्रेस चाहिए तो यू नीड 10 bits। किसी भी एक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 बिट एड्रेस चाहिए। कितना? 10 bit एड्रेस। सर समझ में नहीं आया? आप सोचते होंगे सर खुद ही अपना आप आंसर दे लेते हैं, मैं आ गया उसके बाद भी मना कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर, नहीं आया तो नहीं आया, अब क्या करूँ मैं? देखो, 2^3 × 8 bit मेन 2 से 3 बिट की तो क्या आ गई? अरे बोलो प्यारे, एड्रेस लाइन। और 8 बिट की क्या आ गई? डेटा लाइन।
डेटा लाइन। अभी देखो भावनाओं को समझना, बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा। 2 की पावर 3 मेमोरी सेल्स हो जाएंगे 0 से 2 की पावर 3 -1 मीन 2 से 0 से 2 की पावर 3 -1 इन टोटल कितने मेमोरी सेल्स है 2 की पावर 3 मेमोरी सेल्स है ना। और एक सेल की साइज कितनी है 8 बिट। और किसी भी एक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड 3 बिट्स। हाँ या ना? यस सर। और वो कैसे लिखते थे आप 0 0 0 से 1 1 1 समझ में आ रहा है? नहीं आया तो नहीं कोई बात नहीं। 16 बाइट तो 2 की पावर 4 × 8 बिट तो 4 बिट की क्या एड्रेस लाइन AL यानी एड्रेस लाइन है ना, 8 बिट की डेटा लाइन। तो टोटल कितना 2 की पावर 4 मेमोरी सेल्स और 0 से 2 की पावर 4 -1 तक होगा भाई, 0 से 2 की पावर 4 -1 और एक सेल की साइज 8 बिट। और किसी भी एक सेल को रिप्रेजेंट करना है यू नीड 4 बिट्स यानी 4 0 से 4 1। आ गई? नहीं आई ना? सर अब आएगी। ठीक सर, मैक्सिमम सेल साइज कितना रह सकता है? अरे थम्बा। आपने माइक्रो प्रोसेसर में या कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ये डायग्राम देखा होगा, अगर 64 KB लिखा हुआ होता है ना, काफ़ी बुकों में माइक्रो प्रोसेसर में कई बार है, चाहे मॉरिस मैन उठाओ चाहे कोई सी उठाओ, आर्किटेक्चर में भी है, ऐसे लिखा हुआ होता है। अरे हाँ या ना? यस सर। क्यों होता है? अब ये तो डायलॉग देना मत हेक्साडेसिमल में, 4 बार क्यों होता है ये बताओ, पता है? अरे जल्दी करो, टाइम खोटी नहीं। नो सर। देखो 64 को क्या लिखोगे 2 की पावर 10 और k को 2 की पावर, 64 को 2 की पावर 6 और k को 10 यानी 2 की पावर 16 × 8 बिट मीन्स 16 बिट की तो क्या हो गई एड्रेस लाइन, क्या हो गई प्यारे एड्रेस लाइन। और 8 बिट की क्या हो गई डेटा लाइन। डेटा लाइन अभी मैं सभी डिस्क्लेमर सुन लेना, अभी मैं सभी में 16 बिट 8 बिट की डेटा लाइन ले रहा हूँ, सभी में 8 बिट इस कंसेप्ट को सिखाने के लिए एड्रेसिंग का। 2 की पावर 16 मेमोरी सेल्स होंगे यानी 0 से लेके 2 की पावर 16 -1 टोटल कितने मेमोरी सेल्स है 2 की पावर 16 मेमोरी सेल्स है। और किसी भी एक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए 16 बिट चाहिए और एक सेल की साइज है 8 बिट, कितनी है 8 बिट यानी इसमें मान लीजिए टोटल कितने घर है 1024। अगर आपको शर्मा जी का, वर्मा जी का, मिश्रा जी का, किसी का भी घर का एड्रेस चाहिए ना, उसको 16 बिट से लिखेंगे। अरे 0 भी लिखना है तो 16 बिट से लिखेंगे। तो देखो रेंज क्या हो जाएगी, 16 0 से बोलो प्यारे 16 1 16 1। तो इसलिए इसको 4 बार ही लिखा, ठीक है हेक्साडेसिमल में लिखा वो समझ में आया मेरे को, लेकिन 4 बार क्यों लिखा माय क्वेश्चन इज। आ गई बात समझ में? यस सर। दूसरा देखिए, अगर मैं बोलता हूँ 1 MB है, कितनी 1 MB तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 20 × 8 बिट। हाँ बोलो सर। 20 बिट की क्या आ गई एड्रेस लाइन। एड्रेस लाइन। 8 बिट की डेटा लाइन। डेटा लाइन। टोटल कितने मेमोरी सेल्स आ जाएंगे 2 की पावर 20 मेमोरी सेल। मेमोरी सेल 0 से 2 की पावर 20 -1 और ये आपको पता है 20 बिट है तो आप कैसे लिखोगे 1 MB किसी भी एक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए 20 बिट और कहाँ से कहाँ 5 0 से। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर दोस्त से पूछते हो, दोस्त बोलता है देखो PhD करनी है, कल पेपर है ना रात को, तो बात कर रहा तो पूछना है ऐसा, ये तो पूरे साल पढ़ता तू, याद है अपन जब रात को रट्टे मारते हैं और किसी दोस्त को पूछते भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो पहले तो सारे दोस्त आपको ऊपर से नीचे तक देखते हैं, बोलो भाई देखो समझ नहीं थी तो पूरे साल पढ़ता, अब रात को तो कल पेपर है, है? लोगों समझाओ इधर में, समझ रहे हो बात रौनक? समझ में आ रही बेटा? यस सर। 20 बिट की एड्रेस लाइन का मतलब ये रहा। कहने का मतलब है अगर आपको इसमें 0 भी लिखना है
तो भी कितने बिट में लिखा जाएगा, जैसे 20 बिट में लिखा जाएगा। समझ में आया? अगर मैं बोलता हूँ मेरी मेमोरी 4 GB की है, कितनी जीबी की? 4 GB, तो कितना आ जाएगा भाई? 2 की पावर 2, 2 की पावर 30 इंटू 8 बिट, 2 की पावर 32 इंटू 8 बिट, 8 बिट मीन्स 32 बिट एड्रेस लाइन, 8 बिट डेटा लाइन, इतने मेमोरी सेल्स हो जाएंगे बेटा। जीरो से 2 की पावर 32 -1, और किसी भी एक्स सेल का रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड 32 बिट। 8 जीरो से 8 हैश, वही क्या एक बाकी है, और एक सेल की साइज 8 बिट। समझ में आया? अरे यानी एड्रेस लाइन ये बताते हैं कि आपकी कॉलोनी में घर कितने हैं। अगर आपकी कॉलोनी में 8 ही घर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट चाहिए। शर्मा जी का हो, चाहे वर्मा जी का हो, चाहे मिश्रा जी का, चाहे गुप्ता जी का, चाहे अग्रवाल जी का, चाहे किसी का भी हो, है ना, चौधरी जी का, किसी का भी हो भाई, है ना। और अगर 16 बिट है, समझ रहे हो, तो 4 बिट चाहिए। अगर 1 KB मेमोरी है तो शर्मा जी, वर्मा जी, तिवारी जी, गुप्ता जी, मिश्रा जी, किसी का भी एड्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए 10 बिट चाहिए। 64 KB है तो आपको 16 बिट चाहिए। अब सुनो प्यारे, 8085 याद होगा आप लोगों को, उसमें क्या थी, AD0 से AD7, याद करो याददाश्त वापस आ जाएगी, A8 से A15, टोटल कितनी मेमोरी लाइन एड्रेस लाइन थी? 16 बिट की एड्रेस लाइन थी। अरे हाँ या ना? Yes, 16 बिट का मतलब 2 की पावर 16 सेल्स, इसीलिए 8085 की कैपेसिटी 64 KB होती है। याददाश्त आई? फील आया? Yes, sir. नहीं आया? और 8086, 8086 में क्या होता था, AD0 से AD15, ये D और A क्या है बताऊंगा बाद में, और A16 से A19, मेन 2 से 20 बिट एड्रेस लाइन होती है 8086 में, 2 की पावर 20 सेल्स, 20 बिट एड्रेस लाइन है, 2 की पावर 20 सेल्स। क्लियर है प्यारे बच्चों? यस सर। उतारिए जल्दी से बच्चों, सबको समझ में आया या नहीं आया लिख दीजिए, आ गया सर, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। यस सर, फील आ गया, आया नहीं आया फील, पूरा क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है? सर थोड़ा ऊपर जाना है इसके, हां थोड़ा ऊपर वाले दिखाना सर, ऊपर वाला तो हो गया था ना बेटा। अच्छा ये भी बाकी थी, ये इसलिए कर रहे सर। अच्छा अच्छा उतारो उतारो, कोई दिक्कत नहीं, मैं एकदम चुप बैठा हूँ। उतारो सर नीचे कर दीजिए।
थोड़ा और कर दीजिए। यस सर नीचे। सर थोड़ा ऊपर, बस बस सर नीचे। थोड़ा ऊपर करना एक बार।
सर नीचे कर दो। यस सर हो गया। बेटा सबको समझ में आ गया है? ईच एंड एवरीवन। यस सर। यस सर। क्लियर है सर? यस सर। एक क्वेश्चन आया था, क्या था? यस, 4K × 16 कैपेसिटी थी, 4K × 16 हाउ मेनी एड्रेस एंड डेटा लाइन आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी एड्रेस एंड डेटा लाइन आर रिक्वायर्ड, बताइए बच्चों। आप इतनी देर ये कीजिए, मैं इतनी देर ड्रीम इलेवन पे टीम बना लेता हूँ, यानी मैं लिख देता हूँ कुछ और। मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन, आपने इसके ऐड देखे थे सर? यार एक नंबर ही ऐड थे उसके, चलो ये मैं कर लेता हूँ, फुक गया मैं फोड़ लेता हूँ, टीम बना लो ड्रीम इलेवन पे। क्या बताइए? नंबर ऑफ टू की पावर 12 × 16 ना? यस सर। 12 बिट की एड्रेस लाइन, पता ही 2 मार्क्स का आया था, 16 बिट का डेटा लाइन। क्लियर है? आज और अच्छी चीजें सीखोगे, लिटरली मैं बता रहा हूँ इस आर्किटेक्चर में। हालांकि वैसे तो हर ही सब्जेक्ट में सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन आर्किटेक्चर की बात ही निराली है। पता है क्यों? क्योंकि यार ये जो अपन देखते हैं ना, जैसे डेटाबेस तो चलो अपन करेंगे जब सीखेंगे, आर्किटेक्चर तो अभी अपन यूज कर रहे हैं। आप जिस डब्बे पे देख रहे हो, मैं जिस डब्बे पे पढ़ा रहा हूँ, डब्बा मतलब कंप्यूटर, बुरा मत मानना भाई कि सर कल ही लाए 1 लाख रुपए का डब्बा बोल दिए हैं। कंप्यूटर को बुरा लगेगा ना सर, अपन को क्यों लगेगा? कंप्यूटर को भी नहीं लगेगा, निर्जीव प्राणी है ना भाई। पैसे तो तूने दिए ना। यस सर। मेरे घर वाले तो फिर भी डब्बा बोल दिए हैं। घर वाले मैंने बोल दिया था एक दिन, पापा ने दिए खींच के मेरे, आज की नहीं पुरानी बात है, मैंने बेटा 50,000 लगे इसके, डब्बा मत बोल कमाएगा जब पता पड़ेगा। ये डायलॉग था उनका। तो देखे, नंबर ऑफ एड्रेस बिट रिक्वायर्ड उतारते जाइए टू एक्सेस द मेमोरी
is always depends on the capacity of the memory chip. समझ में आ रहा बेटा? देखो जो चीज सिखाई ना उसी को थोड़ा सा और खोल के सिखाऊंगा, गहराई में कुदाएंगे भी। ये चीज समझ में आई? कितनी एड्रेस बिट? हाँ बोलो। पूर्व भी तो लिख सकते थे बाद में। डेटा लाइन हमेशा ऐसे चलेगा बेटा, डेटा लाइन हमेशा ऐसे चलेगा। हाँ अभी समझाऊंगा उसको, रुक जा, टेंशन मत ले। अभी तो मैंने 8 ही बिट लिए ना, अभी उसके बाद भी करूंगा। अभी मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन मतलब कोई फिक्स नहीं रहता कितना कितने बिट का मतलब चल रहा है या रहता है? कंप्यूटर से पढ़ रहा है या मोबाइल से पढ़ रहा है पहले तो ये बता। कौन से? कोई बच्चा जो लैपटॉप में पढ़ रहा है? यस सर। यस सर। कितने बिट का प्रोसेसर है? 64 बिट का। मेरा आदमी मेरा 32 का ही है। कहने का मतलब मजाक कर रहा हूँ, सुनेगा। कहने का मतलब है जो आप 64 बोल रहे हो ना वही आपकी डेटा लाइन है बेटा। ये 8 बिट नहीं होती है वैसे डेटा लाइन, 64 32 16 8 का सर रहेगा उतनी बिट डेटा लाइन, मतलब वो डेटा लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। देख लो बेटा, थोड़ा अगर सस्पेंस बना रहने देगा तो मजा आएगा और आज ही तक का, बाकी तो मैं रायता तो ढूंढ दूंगा अभी पूरा। ओके सर, कोई बात नहीं, इतना सब समझो सस्पेंस बना रहेगा सर। इतनी तो अपनी यार ट्यूनिंग हो चुकी है अब तो भाई। बिल्कुल सर, ट्यूनिंग 64K × 8 इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इतने नंबर ऑफ सेल्स इन द मेमोरी चिप, इतने नंबर ऑफ सेल्स इन द मेमोरी चिप, और इसका मतलब होता है एक सेल की साइज। आज आप पूरा पोस्टमार्टम करोगे, सीआईडी में वो कौन था वो डॉक्टर, उससे ज्यादा आप करोगे आज, टेंशन नहीं मत लेना। हाँ उससे ज्यादा आप करोगे, भावना को समझ जाओ मेरी। नंबर ऑफ बिट्स स्टोर इन दी सेल्स, दैट इज द सेल्स भी नहीं, एक एक सेल है ना, स्टोर इन दी सेल। इसमें कैसे आ जाएगा 64K को कैसे लिख दूंगा? 2^6, 2^10 यानी 2^16 सेल, यानी इतने सेल्स होंगे। इसका मतलब है नंबर ऑफ एड्रेस बिट, यानी इतने घर है, अगर इसमें से मोहन को बुलाना है, श्याम को बुलाना है, तो कितनी एड्रेस बिट रिक्वायर्ड होगी? 15। यस, टू एक्सेस द मेमोरी चिप सोलह बिट एड्रेस। अरे हाँ या ना? यस सर। समझ में आ गई होगी मेरी बात? जी सर। अब आया थोड़ा फील? यस सर। यस सर। अब सर ऊपर कर दीजिए। हाँ बोलो सर, फील वील छोड़ो, आपको ऊपर कर दो, अब उतार लेता हूँ, वो तो कोई मुंह में आया है। कोई बात, अब अभी भी आपके पता एक मन में दुख है, बोला सर ये 8 एड्रेस वाला तो समझ में आ गया, डेटा वाला समझ में नहीं आ रहा है सर, आपने सब में हमेशा 8 ले लिया, क्या 8 ही होता है क्या? यही दुख है ना? यस सर। हाँ बाबा बन जाता मैं। अभी मैंने जो पहले वाला दिया था ना उसका मैंने 16 नहीं लिया था, उसको मैंने बाय 2 कर दिया था, मतलब उसको 13 कर दिया था वहां पे। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं करना बेटा, और दुख में चला गया, ये तो गलत हो गया बेटा। कृपा वही अटकी हुई है बेटा, तुमने हरी चटनी भी नहीं खाई समोसे के साथ वो भी सही था यार। निर्मल बाबा सर पर्स खोल के खड़े हो जाओ। निर्मल बाबा पर्स खोले हो? बोला फोटो है? बोला किसकी है? बोले लुगाई की है? बोला उसकी रखो, कृपा वही रुकी हुई है भाई यार। पता नहीं कौन सा साइंस लगा दो सर। हरी चटनी खाई थी? बोला खाई थी। बोला
लाल गाय बोला लाल नहीं गया, बोला वही दुखी हुई। देखिए बच्चों करें स्टार्ट। यस सर। यस सर। देखो बच्चों मैंने कल आपको एक बात सिखाई थी, यहाँ तक हो गया सबने, उतार लिया पूरा सर? ये रह गया ये। उतार लो भाई जल्दी उतार लो, मैं अपने आप को स्टार्ट करता हूँ, आप पहले से कमेंट आ जाता सर थोड़ा ऊपर कर दो थोड़ा नीचे कर दो, ये बाकी रह गया वो रह गया, मौला रुक जाओ। प्रज्ञा तिवारी बेटा आपको इसका आंसर अभी इसी का आंसर दे रहा हूँ कि 64K × 16 होता या 32 होता या 64 होता तो क्या होता, तो सब सीखेंगे अपन अभी आज ही सीखेंगे, है ना, डोंट वरी रे। बच्चों सुबह पहले मजा आता नहीं आता, सही से बताना यार, मेरे को खुश करने के लिए नहीं। हाँ बहुत मजा आता सर। करें स्टार्ट। यस सर। अब सुने क्या मैंने कल आपको एक चीज बोली थी, अभी तो ध्यान रख लो और पढ़ लो बस इतना सा कर लो, क्या कि जो मेमोरी होती है आपकी दो टाइप की एड्रेसेबल होती है, बताई थी नहीं बताई थी? बाइट और वर्ड। बाइट और वर्ड। अब मैं इसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, सुनिएगा मेमोरी के बारे में। हाँ चलो बढ़िया है, सुनिएगा, सुनना हर बच्चा, कहने का मतलब क्या है। आप देखो आज नया सीखना मिलता बहुत मजा आता है। शांतनु बेटा इसमें तो बहुत नया सीखने को है, पता है ये सब्जेक्ट बच्चा सोचता भगवान, जिस दिन ये सब्जेक्ट की किताब खोलता उस दिन भगवान की एक दो अगरबत्ती ज़्यादा लगाना स्टार्ट कर देता है, प्लेयर इसमें तो पास करा दे भाई, ये तो रटा भी नहीं जाएगा, ऐसा सब्जेक्ट है ये, है ना। तो और लेकिन आपको इसमें पक्का पता है पोस्टमार्टम करोगे आप उसे, यानी गहराइयों में चलेगा नहीं, जैसे अपन वेब सीरीज नहीं देखते पूरा अंदर ही अंदर, वैसा ही था कॉलेज में बेटा, यहाँ नहीं होगा, पूरा अंदर ही अंदर आपको पूरी कहानी पिक्चर में भावनाओं में बहते जाओगे आप इस सब्जेक्ट में, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ आपको। सुनिएगा देखो उसी हिसाब से सिखाऊंगा, अच्छा है आधा घंटा ज़्यादा लग जाए। देखिए मेमोरी, यहाँ अभी तक अपन ने इसका ख्याल किया है कि ये एक्स जो सेल है ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगेगी, दैट इज माई एड्रेस। अरे हाँ या ना सर। अब सर व्हाट अबाउट दिस अंदर वालास, व्हाट अबाउट दिस अंदर वालास, कहने का मतलब है बेस्ड ऑन द सेल साइज, बेस्ड ऑन द सेल साइज, इस बार चोट हो गई, मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन, आपने पूछना था क्या चोट हो गई, क्या हो गए सर? एनआईसी के पेपर में, एनआईसी के पेपर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वेब टेक क्लाउड कंप्यूटिंग इनके साथ 10-7 ऐसे क्वेश्चन आ गए, बच्चे सारे टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ के गए, उनमें से तो आए आए लेकिन इनमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। अभी एक बच्चे का मैसेज ही आया है सर पेपर ख़राब हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, नॉन टेक में ज़्यादा आ गए क्वेश्चन, वेब टेक ये सब छोड़ के जाते थे लोग बाग, इसमें से एक एक दो दो पूछेगा और में से पूछेगा और उसमें से पूछ डाला इस बार। तो देखो बेस्ड ऑन दी सेल साइज मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन, बट मेरे को इस बात की खुशी मेरी नोटबुक में से 10 क्वेश्चन निकले, ये बात की खुशी है। बेस्ड ऑन दी सेल साइज मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, कितने टाइप की होती है बेटा? टू टाइप। पहला बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, दूसरा वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। बात समझ में आ रही है? बाइट एड्रेसेबल मेमोरी और वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी, जल्दी से बता रही प्लीज, फिर मैं इसको आगे खींचता हूँ और अपन इसको न्यूमेरिकल के साथ ही करेंगे, बहुत मजा आएगा यार इसमें। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। देखिए बच्चों कहने का मतलब है
जब, अच्छा ये बताओ बाइट एड्रेसेबल और वर्ड एड्रेसेबल कब होगी, जब आपकी सेल साइज 8 बिट है, कितनी 8 बिट, तो मेरी कौन सी होगी बाइट, समझ में आया। देखो अब इसका कन्वर्जन भी सिखाऊंगा, टेंशन ही मत लेना, पहले मैं आपको लिखा रहा हूँ बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, लिखना मत अभी, है ना, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, व्हेन द मेमोरी सेल साइज इज 8 बिट, कितने बिट 8 बिट, देन corresponding address is called as byte addresses, समझ रहे हो, byte addresses इसलिए नहीं बोलते कि 8 bit का address है, byte addresses इसलिए बोलते हैं क्योंकि cell size 8 bit की है, दो bit address, क्यों 2 की power 2 होगा ना भाई, समझ रहे हो, यस सर, 64 256 512 1K 1 मेगा 2 की पावर n, तो कितने कितने बिट का एड्रेस होगा इसमें, 6 बिट 8 बिट 9 बिट 10 बिट 20 बिट और n बिट एड्रेस, क्लियर है, जैसे 2 की पावर 6, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर n, अरे मेरे छोटे भाई और बहनों सबको समझ में आया सर, दीज आर कॉल्ड बाइट एड्रेसेस, दीज आर कॉल्ड बाइट एड्रेसेस, इसलिए नहीं कि एड्रेस बाइट में, ध्यान रखना मेरे छोटे भाई और बहनों, इसलिए क्योंकि सेल साइज इज 8 बिट, क्यों मत बोलना सर, देखो यहाँ तो 8 में है ना इसलिए बाइट बोल रहे होंगे, नहीं भाई, ठीक है, सेल साइज इज 8 बिट, एड्रेस साइज इज नॉट 8 बिट, अब फिर तुम अपने कंक्लूजन पे आओगे, सर इसमें है तो सही 8 बिट, इसमें है तो सही 8 बिट, अरे मैं टोटल की बात कर रहा हूँ भाई, सारे बाइट एड्रेसेस कहलाएंगे, क्यों कहलाएंगे, बिकॉज बिकॉज सेल साइज मेरा क्या है 8 बिट है, समझ में आ गई बात सर। अगला देखिए वर्ड एड्रेसेबल, ताड़ना मत अभी, व्हेन द सेल साइज डिपेंड्स ऑन वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर, then the corresponding address is called as word address, clear, for example 4 into w 64 into w 256 into w 512 into w 1k into w 1 मेगा इंटू डब्ल्यू 2 की पावर n इंटू डब्ल्यू, क्लियर बेटा, यस सर, क्लियर है सभी को, यस सर, यानी इसमें कितने बिट का एड्रेस, 2 बिट का, 6 बिट 8 बिट, कन्वर्जन भी सिखाऊंगा, 9 बिट 10 बिट 20 बिट एड्रेस, n bit address, so ये सारे क्या कहलाएंगे, word addresses, क्या कहलाएंगे, word addresses, समझ में आ गया, जो बच्चा पूछ रहा था सर 16 का हुआ तो, एक तो कोई बुढ़िया पूछ रही थी, लड़की है नहीं, जो भी पूछ रही थी, मैं क्योंकि चैट बॉक्स ऊपर नीचे हो चुका है, mean to say cell size must be in a word, मेरे छोटे भाई और बहनों सबको समझ में आ गया है, यस सर, यस सर, तो आपका दो टाइप का एड्रेसेबल होता है, एक तो बाइट एड्रेसेबल और एक वर्ड एड्रेसेबल, अरे हाँ या ना, यस सर,
आगे बढ़े थोड़ा सा खेद दूं और आप सुनो। यस सर। सुनिएगा हर बच्चा, ये कन्वर्जन वर्जन सब सिखा दूंगा मैं कि सर मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया मेरे को। बोलो अभी भी समझ में नहीं आया। कौन है नालायक जिसको नहीं आया बताओ पहले तो। देखिए बाइट और वर्ड, वर्ड एड्रेसेबल। तो वर्ड एड्रेसेबल में क्या होता है सुनिएगा बच्चों, जो वर्ड साइज होती है वो किस में होती है, वर्ड लेंथ पे डिपेंड करती है। किस पे? वर्ड लेंथ पे डिपेंड करती है। जैसे अगर 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है म्यूपी, यानी 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर, एन बिट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, इसमें सब में सेल साइज कितनी रहेगी 8 बिट। मेरे कोई खाक फर्क नहीं पड़ता आपका कितने बिट का प्रोसेसर है, समझ गई बात? अरे हाँ या ना। लेकिन अगर वर्ड एड्रेसेबल है तो 8 बिट है तो 8 बिट का प्रोसेसर है, 16 बिट का है तो 16 बिट, 32 बिट का है तो 32 बिट, 64 बिट का है तो 64 बिट, एन बिट का है तो एन बिट। हाँ या ना? यस सर। कहने का मतलब आपने कभी बोला कि मेरे पास 4 गीगा वर्ड्स की पेन ड्राइव है, बोला कभी सर? बोला नला तो कौन बोला है? नहीं सर। कहने का मतलब है क्यों नहीं बोलते आपको पता है? क्योंकि अपन डिफॉल्ट जो है बाइट एड्रेसेबल यूज करते हैं। अभी पूरा सीखना मेरी बात, अभी उतारना मत, पूरा सीखेगा। इसका मतलब है यूनिक मीनिंग है, आपके कितने बिट का प्रोसेसर हो मेरे खाक फर्क नहीं पड़ता, इसके यूनिक मीनिंग है, यानी इसमें अनएम्बिग्यूटी है, अनएम्बिग्यूटी है, यानी ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट की जा सकती है। ये खरबूजे के जैसे रंग बदलता है, 8 बिट का प्रोसेसर है तो 8 बिट हो गया, 16 का है तो 16 बिट हो गया, 32 का है तो 32 हो गया। समझ में आ रही है सर? तो कहने का मतलब है इसीलिए, यानी सीखिएगा बेटा प्लीज, सीखिएगा हर बच्चा उतारेगा नहीं, मैं उतारने का समय दूंगा, पहले आप सीख गया तो सब समझ में आ जाएगा। 64 KB बोलूं मैं और 64 किलो वर्ड्स बोलूं तो मेरे जीवन में एक प्रॉब्लम रहेगी। 64K × 8 बिट तो मैं करके चल दिया, लेकिन इसमें मेरा अभी तक रोला पाया रहेगा। 64K × W यानी 64K ×? समझ रहे हो? यस सर। दैट्स व्हाई डिफॉल्ट, देखो उतारना मत प्लीज, है ना, दैट्स व्हाई डिफॉल्ट मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन इन द कंप्यूटर कंप्यूटर डिजाइन इज बाइट एड्रेसेबल। समझ रहे हो सर? यस सर। तो रोना कंप्यूटर से पढ़ रहा है, लैपटॉप से यानी मोबाइल से पढ़ रहा है? ठीक है, तो सुने, सो डिफॉल्ट मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन इज, ओके बेटा, सो इन द मेमोरी चिप, सुनिएगा भाई मजा आएगा, इन द मेमोरी चिप डेटा इज ऑलवेज स्टोर्ड इन बाइट वाइज, डेटा इज ऑलवेज स्टोर्ड इन बाइट वाइज। समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? सर आ गया। तो आपका एक क्वेश्चन आया, तो फिर भी जो मैं 64 बिट का प्रोसेसर लाया हूँ उसको क्या आधा आधा तोड़ दूँ क्या, फेंक आऊँ उसको, जब 8 ही पे काम करना है तो उसका क्या करूँ सर मैं? समझ रहे हो क्या? आपने तो लिख दिया 8 बिट पे काम करेगा, तो फिर प्रोसेसर का क्या करूँ मैं? बट इन द प्रोसेसर, नहीं समझे मेरी बात? एक जना बोल रहा मेरा 32 बिट का प्रोसेसर, एक जना बोल रहा तू गरीब मैं अमीर, मेरे पास 64 बिट का प्रोसेसर है, तो फिर इनका क्या रायता बनाएंगे अपन, बताओ? नहीं, आप समझो, बट इन द प्रोसेसर ऑपरेशन आर ऑलवेज, पता है अगर मैं डायलॉग नहीं मारता ना, समझना बात, आपको लग रहा होगा डायलॉग मार रहे हैं, अगर मैं डायलॉग नहीं मारता ना आपको इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये डायलॉग यही मारा। इन द प्रोसेसर ऑपरेशन आर परफॉर्म ऑन ए वर्ड फॉर्मेट, सीखना बेटा आपको डायलॉग का मतलब भी समझ में आएगा। सो
when the word length of the processor, ये दोनों 2000 के नोट है, आपके दोनों मिसकंसेप्शन क्लियर करेंगे. सो when the word length of the processor is greater than 8 bit, क्या बेटा, जैसे 16 bit, 32 bit, 64 bit, then multiple cell accessing. आ गई बात समझ में सर? मल्टीपल सेल एक्सेसिंग इज रिक्वायर्ड इन पैरेलल टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द मेमोरी इन ए वर्ड वाइज फॉर्मेट. इन ए वर्ड वाइज फॉर्मेट. चीज समझ में आई नहीं सर? कोई बात नहीं. कि मान लीजिए आप बोलते हो सर 8086 16 बिट का प्रोसेसर है. क्या 16 बिट का प्रोसेसर? और आपने हैं एक कमांड लिखी मूव ax मेमोरी लोकेशन 2000. इसका मतलब पता है आपको क्या होगा? यानी मेमोरी लोकेशन 2000 और मेमोरी लोकेशन 2001 का डेटा किस में जाके स्टोर होगा? ax में, क्योंकि 16 बिट का प्रोसेसर है. अगर मैं 32 बिट का प्रोसेसर की बात करता हूँ, इसकी 32 बिट की, मान लीजिए कोई कमांड है मूव R0 2000, इसका मतलब है R0 में मेमोरी लोकेशन 2000 2001 2002 और 2003. आपके नाम से ज्यादा फीलिंग आया होगा इसमें? यस सर. मना करते हैं ना, दोबारा स्टार्ट हो जाता हूँ. समझ में आ गई बात? तो आपके 64 बिट के प्रोसेसर का मतलब समझ में आ गया कि अगर आप बोलते हो मेरा 64 बिट का प्रोसेसर है, इसका मतलब ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन 64 बिट एट ए टाइम, बट मेमोरी में, रैम चिप में डेटा हमेशा बाइट वाइज बाइट ही होता है. अरे कभी आपने बोला कि मेरे पास रैम है 8 गीगावर्ट्स की रैम है, या मेरे पास पेन ड्राइव है 32 गीगावर्ट्स की? आप क्या बोलते हो? 32 GB की पेन ड्राइव है, 16 GB की पेन ड्राइव है, 1 TB की हार्ड डिस्क है. अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो देखो पहला पॉइंट तो ये समझाता है कि भाई क्यों, क्योंकि यार एम्बिग्यूटी आती है किसमें, बाइट एड्रेसेबल में. अब प्रोसेसर भाई किसका 8 बिट का है, किसका 16, कोई अमीर कोई ज्यादा अमीर, कोई सबसे बड़ा अमीर कोई अंबानी, जितने बिट का प्रोसेसर उस हिसाब से काम चल रहा है. समझ रहे हो? लेकिन अपन कब तक करेंगे? तो अपन एक फिक्स करते हैं कौन सा, कि भाई बाइट एड्रेसेबल है. तो सर अगर फिर जिसका प्रोसेसर 8 बिट से ज्यादा होगा वो क्या करेगा? हवन करेगा? नहीं, वो क्या करेगा? मल्टीपल सेल एक्सिस उठेंगे. अगर आपका 16 बिट का प्रोसेसर है तो 2 byte उठेंगे, और 32 बिट का प्रोसेसर है तो 4 byte उठ जाएंगे. मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आपको बताइए लिखना क्या है चैट बॉक्स में. भावनाएं क्लियर हुई ईच एंड एवरी वन? ओनली क्रिस्टल क्लियर लिख रहे हो? भाई और बहनों समझ में आ गया सभी को? यस आ गया सर. एक ऐसे सर छोटा सा डाउट, मतलब डाउट नहीं क्वेश्चन, पूछ सर. मैक्सिमम प्रोसेसर कितने का अपन बना सकते हैं सर? जैसे कि 64 का तो मिलता ही है, 64 ही चल रहा है, 64 या 128 लास्ट. मैक्सिमम का उसका कोई लिमिट नहीं कि लाइक अपन कितने का ही बना सकते हैं? वो खोज जाली है, कंपनी वाले कर रहे हैं, करने दो उनको, अपन क्यों लोड ले भाई. समझ रहा बात? अरे कहने का मतलब है अभी जो ट्रेंडिंग में लास्ट 128 ही है शायद, 64 128. आगे बात समझ में? जल्दी से उतारो अब इसको प्लीज. कहां से उतारना बाकी है? नेक्स्ट वाले ये उतार लिया था ना, उतारे. और हर बच्चा उतारना, स्क्रीनशॉट मत लेना बेटा प्लीज. मैं चुपचाप शांति से बैठा हूं.
सर नीचे कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही थी अभी? नो सर। थोड़ा सा रह गया ऊपर वाला, थोड़ा जूम आउट भी कर दूं क्या? हाँ सर कर। यस सर। मैं जूम आउट ज्यादा इसलिए नहीं करता, पता पड़ा तुम वहां मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देख रहे हो। हां इतना जूम हो गया, साइड से कर लेंगे ना सर जूम करना होगा तो। अच्छा 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 ऊपर कर रहे थे सर थोड़ा सा। ले भाई थोड़ा सा नीचे सर, एक मिनट सर। नीलू समझ में आ रहा है बेटा? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है सर? लिटरली बता रहा हूँ, ये आर्किटेक्चर है ना तुम्हारा बेस्ट सब्जेक्ट बनाएंगे अपन। मेरे भी सोच रखा है, मैं पता है एक्सपेरिमेंट करने की सोचते हैं, जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर क्या करता है, एक्सपेरिमेंट ही करता है इंसान। अब एक्सपेरिमेंट यानी वैसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा कि भाई कि वो कोई बॉडी और उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बीमारी कोई सी और इलाज कौन सा कर रहा हूँ, वो एक्सपेरिमेंट नहीं। कि एक्सपेरिमेंट का मतलब भी समझ लीजिए कि इस बार इनको सारा करा देते हैं यार, पूरा गेट के क्वेश्चन, जैसे वो कौन चलाते हैं यार, वो कौन सी एकेडमी है, अन एकेडमी वाले मैराथन मैराथन चिल्लाते हैं ना सर, वैसे सारे क्वेश्चन अपन ही कर लेंगे यार टॉपिक के साथ साथ, टेंशन ही मत लेना। इसमें करेंगे अपन 150-200 क्वेश्चन, प्रसाद चाहिए तुम्हारा सर? करेंगे सर। यस मैं बताऊं, पाइपलाइनिंग में आप पाइपलाइनिंग और कैशे मेमोरी बना के आप सेंचुरी मारोगे। पाइपलाइनिंग कैशे ये दो में आप सेंचुरी मार जाओगे अगर आप साथ दिए तो। बच्चे कम हो जाएंगे भाई, मैं भी फिर इंटरेस्ट लेना कम करूंगा, कराऊंगा चलो हो जाए, जब बोलते रहो है ना। यस सर हो गया। जी थोड़ा ऊपर कर दीजिए।
यस सर नीचे कर दीजिए। Done everyone? Each and every उतार लीजिए बेटा। सर लास्ट का रह गया था बस। करें आगे। यस सर। क्वेश्चन कर रहा हूं, जल्दी से क्वेश्चन दे, आंसर देना इसका ना प्लीज। यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? अब देखो सर, एक मिनट लास्ट का रह गया सर। कोई बात नहीं बेटा, उतार लीजिए, गुस्सा खाए हो रहे हो। करें आगे। सर। यस सर। यस सर। देखिए बच्चों, कंसीडर ए 32 बिट हाइपोथेटिकल प्रोसेसर। ये हाइपोथेटिकल इसलिए बोलते था, मैंने कल बता दिया था बच्चा, पहले तो दो कीवर्ड ऐसे यूज कर लेते कि आप गणित लगाओ मत, आप तो क्वेश्चन समझो और आंसर दो। विच सपोर्ट 256 MB मेमोरी, है ना। सिस्टम इज डिजाइन, न्यू सिस्टम है ना, न्यू लिख देता हूँ। न्यू सिस्टम इज डिजाइन विथ ए वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी देन
हाउ मैनी एड्रेस बिट आर रिक्वायर्ड इन द न्यू सिस्टम, बताइए बच्चों. Each and everyone do it now. कीजिए जल्दी से, मैं एक बार ये गेट ओपन कर दूं. एक सेकंड. सर सिक्स. बेटा सिक्स बिट गलत, सेवन बिट गलत, 31 बिट ये कहां से आ गया भाई? कुछ भी लाओगे कैसे आ गए? सर 256 में से दो वहां दे दी तो वो 32 का बन गया वर्ड. 32 का बना तो फिर उसमें प्रसाद है बाबा का, बांट दो सबको, है ना. देखें कोई बात नहीं, अच्छी बात है. मुझे भी नहीं पता आंसर क्या आएगा, देखें अपन सीखे. हाँ या ना, 2 की पावर 28 बाइट यानी 28 बिट की एड्रेस लाइन आ रही है. प्यारे बच्चों समझ में आ रही है बात? सर 28 बिट की एड्रेस लाइन आ रही है. क्लियर है? मीटर को किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना आता है. यस सर. ये तो ओल्ड सिस्टम था, न्यू सिस्टम क्या बोलता है कभी कि मेरे को वर्ड एड्रेसेबल चाहिए. कैसी चाहिए? वर्ड एड्रेसेबल, समझ रहे हो, 256 MB वर्ड एड्रेसेबल. तो आपको एक रिलेशन पता होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. तो एक वर्ड में इधर रिलेशन दे रखा 32 बिट है, यानी वन वर्ड कितना हुआ प्यारे? 4 बाइट. कितना? 4 बाइट. भाई आंसर दो, आंसर बोला करो, नहीं तो हमेशा कागज मांग लेगा. ध्यान रखना, ध्यान रखना. ठीक है, वन वर्ड इक्वल टू 4 बाइट. अब देखें 256 MB. भाई सुनिए पहली बात, देखो मुझे नहीं पता, मैं बच्चों के नाम भी नहीं देखता हूँ,
हर बच्चा सुनना, इसमें हो सकता है होगा अलग अलग धर्म के लोग बैठे हो, मैं सभी धर्मों को मानता हूँ भाई, ये तो मैं ओनली एंटरटेनमेंट के लिए कह रहा था, बीच में तुम्हारा ध्यान इधर आ जाए बस, कोई बुरा मत मानना मेरी किसी बात का, है ना, प्लीज़। ठीक है, 256 MB, एक वर्ड इक्वल टू 4 बाइट, कागज़ तो खैर मेरे पास भी नहीं है, एक वर्ड इक्वल टू 4 बाइट। अब देखो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको 4 बाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा इतने वर्ड्स आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, अरे 6000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 6000 मीटर अपॉन 1000 मीटर कितने किलोमीटर होते हैं, यानी 6 किलोमीटर होते हैं सर, अरे हाँ या ना, या तो ऐसे लिख दो, या फिर 64 M इंटू 4 बाइट, तो ये क्या बन जाएगा, एक वर्ड बन जाएगा। प्यारे बच्चों बात समझ में आई? यस सर। 64 मेगावर्ड्स, यानी 64 मेगावर्ड्स मेमोरी आ गई, तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 20 इंटू वर्ड, 2 की पावर 26 वर्ड, तो न्यू में कितने बिट की एड्रेस लाइन आएगी भाई, 26 बिट की एड्रेस लाइन आएगी। प्यारे बच्चों बात समझ में आई, सभी बच्चों को बात समझ में आई? यस सर। नहीं आई, अब आ जाएगी, इधर देखो, इधर देखो बेटा, समझ में आ गया हिमांशु आपको भी? देखो कहने का मतलब है, यहाँ ओल्ड वाली डिजाइन में सीखिएगा प्यारे, सेल 0, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, सेल 5, सेल 6, सेल 7, 0 से लेके 2 की पावर 28 माइनस 1 सेल है, कितने में, 256 MB में, हाँ या ना, और एक सेल की साइज कितनी है, 8 बिट है, और नए वाली में पता है क्या बन रहा है, ये चारों मिलके एक सेल बन रहा है नया वाला, ये चारों मिलके एक सेल बन रहा है नया वाला, कहने का मतलब है नई वाली डिजाइन में ये मेरा एक सेल है, ये मेरा दूसरा सेल है, है ना, जो मेरा 32 बिट का है, 32 बिट का है, ऐसे टोटल 0 से लेके 2 की पावर 26 माइनस 1 सेल आ रहे हैं, वही मेमोरी है, बट यहाँ सेल साइज कितनी हो गई, 32 बिट हो गई है, तो यहाँ 26 बिट एड्रेस सही होगा, आ रहा हूँ समझ में आ गया बेटा, और यहाँ 28 बिट एड्रेस सही होगा, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, जल्दी से उतारे और कीजिए कीजिए बच्चों, और सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है वो भी बता दीजिए, लिख दीजिए चैट बॉक्स में। यस सर। कीजिए बेटा जल्दी से बता दीजिए। उतार लिया है? नो सर। हो गया सर नीचे।
हो गया सर। अगला लिखे ईच एंड एवरी वन, क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसी टाइप का 2 मार्क्स का आया था गेट में 2016 में आया था। कंसीडर ए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 64-bit हाइपोथेटिकल प्रोसेसर, ये आंसर प्लीज सही देना यार। वी सपोर्ट 1 GB ऑफ मेमोरी। नाउ व्हेन द सिस्टम इज एनहांस्ड, थे बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, देन हाउ मैनी एक्स्ट्रा एड्रेस लाइन आर रिक्वायर्ड इन द चिप, बताइए बच्चों प्लीज प्राइवेटली रिप्लाई देना। रोहित ये क्वेश्चन था बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे अगर नहीं उतारा होता हमें पुराना वाला। और माधव गलत बेटा, वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड बच्चों, 3 इज द राइट आंसर। कराऊं आया 3? यस सर। देखिएगा बच्चों आपका कितने बिट का प्रोसेसर है, 64-bit का, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। 1 GB मेमोरी है होल डिजाइन में, तो 2 की पावर 30 वर्ड्स, तो 30-bit की एड्रेस लाइन आ गई है, हाँ या ना? और न्यू सिस्टम कैसा चाहिए मेरे को, बाइट एड्रेसेबल, क्या चाहिए, बाइट एड्रेसेबल, बट आपको रिलेशन गिवन है 1 word = 64-bit, यानी 1 word = 8 byte, 1 GB यानी 1 G × 8 byte, 8 GB, कितना 8 GB, समझ में आया? इसके लिए 2 की पावर 32 यानी 33-bit एड्रेस लाइन,
मेरे छोटे भाइयों और बहनों सबको समझ में आ गई, तो एक्स्ट्रा कितनी बिट आ गई, 33 माइनस 30 3, अभी भी नहीं आया मुझे पता है, सुनिएगा, आ गया वैसे तो लेकिन फिर अब आएगा। 0 से लेके 2 की पावर 30 माइनस 1 सेल है, एक सेल 64 बिट का है, सेल 0, सेल 1 भी 64 बिट का है, ओल्ड वाली डिजाइन में है ना। अब न्यू में क्या किया गया पता आपको, इस सेल 0 के, सेल 0, सेल 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल बना दिए गए टोटल, यानी 8 सेल बना दिए गए। ऐसे ही सेल 1 के 1 से लेके 7 और 0 से लेके 7 तक 8 सेल बना दिए गए, समझ रहे हो। तो ऐसे आपके कितने सेल्स बढ़ गए भाई, 0 से 2 की पावर 33 माइनस 1। किसी भी सेल का एड्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड 33 बिट्स, और यहाँ किसी भी एक्स सेल का एड्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड 30 बिट्स। क्लियर? क्लियर है सर? आगे बढ़े, कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ सर, किसी बोलिए। पहले ओल्ड सिस्टम में प्रोसेसर 64 बिट पे काम कर रहा था है ना, पर वो बाइट वाइज स्टोर हो रहा था। हाँ तो सर न्यू सिस्टम में वन बिट वन बाइट पे काम हुआ सर, अगर तोड़ देंगे तो। हाँ सर, ये इनहेंस हो गया ये प्रोसेसर, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, चेंज किया गया है कि 64 बिट की जगह, हाँ 64 बिट की जगह 8-8 बिट पे काम करा रहा हूँ मैं, 8-8 बिट पे, तो जल्दी जल्दी उठेगा। इनहेंस पे मत जाओ, कि मैं समझ गया जो आप कह रहे हो, सही कह रहे हो आप कि सर ये तो उल्टा हो रहा है, यानी ये था प्रोसेस इज चेंज, समझ रहा बात? यस सर, समझ गया मैं जो आप कह रहे हो, सही पकड़े हो एकदम, वेरी गुड बेटा, अब आ रहा है तुम्हारे को। देखो अभी इसमें थोड़ा सा और मसाला डालते हैं, कहने का मतलब है आपको जो पता है कि मेमोरी क्या होती है, ये मान लीजिए एक सेल है, समझना, एन तो क्या होते हैं मेमोरी में, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, क्या बेटा? टोटल नंबर ऑफ, बड़ा एन, और छोटा एन एड्रेस इन बिट्स, और स्मॉल एम विड्थ या साइज या बिट्स ऑफ वर्ड, समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है ये जो भार होता है वो तो क्या होता है, एड्रेस, और यहाँ क्या होता है अंदर, साइज बताएगा या विड्थ बताएगा या लेंथ बता देगा एक सेल की, किसमें, बिट्स में। अरे हाँ या ना? Yes, sir. और ऐसे इतने 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 मिलके क्या बन जाती है मेमोरी, जो एन बोलता हूँ मैं, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, ये एक एक वर्ड मिलके एन नंबर ऑफ वर्ड्स। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. कहने का मतलब है अगर मैं एन बोलता हूँ 64 वर्ड्स है, कितने हैं 64 वर्ड्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल एन कितना आ जाएगा, 6 बिट, क्यों, एन बोला 64 वर्ड्स यानी 2 की पावर 6 वर्ड्स। क्लियर है? यस सर। आपको समझ में आया? यस सर। उतार लिया है? आगे बढ़े, देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, कहने का मतलब है मेमोरी स्पेसिफिकेशन, बहुत मजेदार चीज सिखाऊंगा, या तो आप वर्ड में लिख सकते हो या बाइट में, और मैं बिट में भी लिखवा रहा हूँ आपसे, ठीक है? अब सुनिएगा, जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, एन
स्मॉल दे रखा 23 बिट, एम दे रखा 16 बिट, क्या क्या 23 और 16, तो कैपेसिटी और एड्रेस बतानी है, समझ में आ रहा है? कैपेसिटी और एड्रेस, कैपेसिटी तो किस में, वर्ड्स में है, बाइट में है और बिट्स में है, समझ में आया? मैं बताऊं थोड़ सा, मैं बताऊं, देखो अगर वर्ड एड्रेसेबल है तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 23 वर्ड्स, अरे हाँ या ना, वर्ड एड्रेसेबल है तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 की पावर 23 वर्ड्स, यहाँ तक समझ में आया? यस सर, यस सर, यानी 8 मेगा वर्ड्स, कितनी 8 मेगा वर्ड्स, और एड्रेस लाइन कितनी आ जाएगी इधर 23 बिट, और अगर बाइट है, ये तो वर्ड में था, और अगर बाइट है तो 8 मेगा वर्ड्स, और एक वर्ड कितना है बेटा 16, अबे 2 बाइट सर, तो 16 MB आ गई, हाँ या ना, 8 मेगा × 2 बाइट, सीखना पहले 16 MB, तो 16 MB के लिए एड्रेस कितना आ जाएगा 24 बिट, और अगर बाइट की जगह बिट में करना है तो 16 MB को कैसे कर दूंगा, 16 M × 8 बिट, 128 मेगा बिट्स, मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है सर? सबको समझ में आया? उतारिए जल्दी से, उतारिए बेटा प्लीज। उतार लिया बेटा या चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, करके लाना आप, ठीक है? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3, अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, एन दे रखा है आपको 256 मेगावाट्स और एम दे रखा है 32 बिट, ठीक है, 32 बिट यानी एक वर्ड यानी 4 बाइट हो गया, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको ज़्यादा, एक वर्ड इक्वल टू 4 बाइट, तो आपने क्या करना है, कैपेसिटी बतानी है और एड्रेस बताने है, कब कब, जब वर्ड में हो, बाइट में हो एंड बिट्स में हो, थर्ड एन मेरा 256 गीगा बिट्स है, ये जी है ना, और एम मेरा 64 बिट दे रखा है, यानी एक वर्ड 8 बाइट का है, तो आपने कैपेसिटी बतानी है एंड एड्रेस बताना है, अरे कुछ नहीं, मीटर को किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्जन होता है ना, वही खेल है, वर्ड बाइट एंड बिट्स, यहाँ तक सभी को क्लियर है? राइट डाउन इन चैट बॉक्स, each and everyone please, यहां तक उतार लिया पहले, संभव ही यहां तक उतार लो बेटा पहले, यस सर, हो गया, ये भी ले लीजिए, ये करना सिखाया मैंने आप लोगों को, करना बेटा है ना, ध्यान रखना प्लीज, करिएगा,
सर थोड़ा ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए, सारा ले रहा हूं बेटा मैं। हां 1 2 3 ईच एंड एवरी वन, मिलते हैं कल, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू एवरी वन, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके बाय, थैंक यू एवरी वन।